गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 13वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? सूरज जल्दी आना जी। सूरज आपको मालूम ही है ना, सन। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं सूरज जल्दी आना जी। चलो कविता पढ़ते। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जम कर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ये कविता है, इसमें बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही है ना, तो बच्चों को बारिश अब पसंद नहीं है। थोड़ी बारिश आती है तो सबको पसंद है ना, लेकिन अगर कंटिन्यू रोज़ बारिश आती रहे, सब जगह गीला है, हम बाहर भी नहीं जा सकते, खेल भी नहीं सकते, कपड़े भी भीगे हैं, तो हमको अच्छी नहीं लगती ना। तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो सूरज आए तो अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं ना हम सब। तो ऐसे ही यहाँ पे कविता में क्या बताया गया, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं सूरज को कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी। गोरी का अर्थ यहाँ पे ब्राइट, उजली। तो बच्चे बोल रहे हैं कि कटोरी भर के बोले तो बहुत सारी, यहाँ पे कटोरी वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ है कि आज बहुत सारी उजली धूप लाना, सूरज जल्दी आना। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। कुहासा का अर्थ क्या होता है, कोहरा, फॉग जिसे बोलते हैं ना, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, सूरज की रोशनी नहीं होती है। तो हम कभी कभी सर्दियों के मौसम में बाहर जाते तो कैसा दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, और जैसे बहुत बारिश हो तब भी ऐसा ही दिखता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, कि यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है, आर पार कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चे बोल रहे सूरज को कि यहाँ पे आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि कोहरा यहाँ पे जमकर बैठा है। किसी घर पे कोई ऐसा कोई बैठा है क्या बहुत दिन तक जमकर, तो आप जल्दी आ जाओ। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, जो कल बारिश हुई थी ना उसकी वजह से कपड़े अब तक भीगे हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि दीवारें और दरवाजे सब के सब भीग गए हैं, सील हो गए हैं और बंद ही रहते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इतना पानी बह रहा है इसलिए। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे बोल रहे हैं सूरज को कि आज कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, कुछ नाना ही नहीं चलेगी, आप जल्दी आ जाओ। तो यही पोयम थी सूरज जल्दी आना जी। सूरज आपको मालूम ही है, और बच्चे बारिश बहुत आ गई है, उसके वजह से कपड़े भी गीले हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, और कोहरा छाया हुआ है, इसीलिए सूरज को बुला रहे हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 82। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, कौन से मौसम में आपको धूप पसंद नहीं होती है। तो गर्मी के मौसम में, जब बहुत गर्मी होती है तो हमको धूप अच्छी नहीं लगती है। और कौन से मौसम में हमको धूप सुहाती है, जब बारिश होती है और सब कपड़े गीले होते हैं, ठंड भी लगती है, तब हमको धूप अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको देखना है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ किस अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। यहाँ पे फोर वर्ड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वर्ड दिया उसके आगे फोर वर्ड्स दिए हैं, उसमें जो डिफरेंट है उसको आपको अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन खींचनी है। बारिश, बारिश तो आपको मालूम ही है, रेन, पानी, गीला और बादल, ये बारिश से संबंधित है ना। बारिश में पानी आता है और पानी होने से सब गीला हो जाता है, और पानी कैसे आता है, बादलों से। तो बादल, गीला और पानी, ये सब इससे संबंधित है। और पटना, पटना क्या है, एक शहर है, एक सिटी है, उसका नाम है। तो ये अलग हुआ, इसे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट घर, अब घर के रिलेटेड संबंधित क्या है, दरवाज़ा। घर में दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है और दीवार भी होती है। तो साबुन, साबुन अलग है ना, तो हमको साबुन को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। सूरज से क्या होता है, हमको धूप लगती है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, और धरती, ये तो अर्थ है, ये अलग है, तो इसे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट कटोरी, कटोरी, कढ़ाई, चूल्हा, गिलास,
यहाँ पे जो कटोरी है, तो कटोरी क्या है, एक थिंग्स है ना किचन में जो हम यूज़ करते हैं, बाउल, कढ़ाई, कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं, चूल्हा, स्टोव और गिलास, ये सब थिंग्स हैं, और तश्करी ये है अलग है, सॉरी, कढ़ाई, तश्करी, गिलास ये सब चीज़ें हैं और चूल्हा अलग है, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 83, अगर धूप ना हो तो क्या होगा, अगर धूप नहीं है तो क्या होगा, आप ही सोचो, अगर धूप ना हो तो पेड़ पौधे और हम मर जाएंगे, है ना। पेड़ पौधे भोजन किससे बनाते हैं, सन की लाइट से, सूरज की रोशनी से बनाते हैं, तो अगर धूप नहीं है तो ना वो खाना बना पाएंगे और ना ही हमको ऑक्सीजन देंगे और हम भी ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। अगर हवा ना हो तो क्या होगा, जैसे सूरज धूप ना हो तो क्या होगा, वैसे ही हवा भी, जैसे धूप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वैसे ही हवा भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हवा ना है तो हम ब्रीथ नहीं ले पाएंगे, श्वास नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, सेम पानी भी ऐसा ही है, अगर पानी ना हो तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि पानी के बिना सब पृथ्वी पे जो प्राणी हैं ये सब मर जाएंगे, सबको पानी चाहिए ना, पानी नहीं है तो हम पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, हमको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना, अगर वो नहीं होंगे तो हम खाना क्या खाएंगे, तो हमको खाना प्राप्त नहीं होगा, मर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बहाना, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा, अगर आपको भी कहीं जाने का मन नहीं है तो आप क्या बोलते हो कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो ना, तो सूरज क्या बहाना बनाएगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरी सारी रोशनी चली गई है, जैसे हम बहाना बनाते हैं ना वैसे ही सूरज भी बहाने बनाएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बहुत कूल हो गया हूँ, मेरे में रोशनी कम हो गई है, ऐसा बोलेगा ना। नेक्स्ट पेज नंबर 84 देखिए, कुहासे का मतलब कोहरा या धुंध, कोहरा किस मौसम में छा जाता है, तो कोहरे का अर्थ क्या होता है, फॉग, जिसे इंग्लिश में हम फॉग बोलते हैं, जैसे कोहरा होता है तो हमें आगे वाला कोई दिखाई नहीं देता है, सर्दियों के मौसम में बहुत टाइम ऐसा होता है ना, बहुत बार जैसे आगे रोड पे कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो कौन से मौसम में आता है, सर्दी के मौसम में, तो यहाँ क्या आंसर लिखोगे, सर्दी के मौसम में कोहरा छा जाता है। यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं चीज़ कुछ नाम, कॉफ़ी, फ से लिखना है, फिर सफ़ेद द आना चाहिए, फ आना चाहिए, एक लेटर आएगा इसमें से फैलना, तारीफ फटना, शरीफ फूल। थैंक यू।